दोस्तों मैं राज। दोस्तों आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो E4 का एरर के ऊपर में है, यानी ये वीडियो जो है E4 आ रहा है। तो जब भी आप इंडक्शन रिपेयर करते हैं, आपको थ्योरिकल बता दिया हूँ, आज इसका प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ बैक टू बैक। क्या होता है, जब भी हम इंडक्शन को रिपेयर करते हैं तो एरर कोड का सेक्शन बाई सेक्शन बांटेंगे तो आसानी से एरर कोड आपको मिलेगा। तो E4 कहने का मतलब हर पीसीबी में कोई पीसीबी में E4 का कुछ और मतलब निकलता है, किसी में E2 का और मतलब निकलता है, अलग अलग एरर कोड का अलग अलग सेक्शन हम बांटेंगे। तो इस पीसीबी में हम देखेंगे कि लो वोल्टेज की वजह से, किसके लो वोल्टेज, हमारे पीसीबी में लो वोल्टेज की वजह से E4 आ रहा है। ये नहीं कि हमारा मेन एसी सप्लाई वो फिक्स है, कहने का मतलब 220 से 240 वोल्ट हमारा एसी सप्लाई है, बट पीसीबी में लो वोल्टेज हो जाने की वजह से हमारा E4 का एरर डिस्प्ले में शो करेगा। तो सबसे पहले इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे हम सबसे पहले सीरीज में सप्लाई दे रहा हूँ। सप्लाई देने के बाद में दोस्तों यहाँ पे हम देखेंगे, जैसे लगा रहा हूँ यहाँ पे देखेंगे आप डिस्प्ले में E4 का एरर आ जा रहा है। तो इस कहने का मतलब क्या होता है कि हमारा पीसीबी में लो वोल्टेज का एरर है। तो अब हम इसका कैसे चेक करेंगे, कैसे रिपेयर करेंगे, आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। ओके दोस्तों, हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले अपने मल्टीमीटर को एसी मोड में सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम एसी वोल्ट, हमारा अल्टरनेटिव करंट कितना आ रहा है, कितना वोल्टेज आ रहा है, पहले इसको चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से सप्लाई देता हूँ, एसी वोल्ट में मेरा सिलेक्टेड है। अब यहाँ से जो दोनों मेन वायर होता है, न्यूट्रल का और एल का, यानी न्यूट्रल लाइन और लाइव वायर, तो यहाँ पे दोनों में हम क्या करेंगे, वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे हमको कितना वोल्टेज शो कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमको शो कर रहा है वोल्टेज 230 वोल्ट करीब एसी वोल्ट है। ओके, ये हमारा कहने मतलब हमारा जो एसी सप्लाई है वो राइट है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिर से मल्टीमीटर को डीसी में सेट कर लेंगे, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कैसे चेक करना है। दोस्तों मैंने क्या किया, मल्टीमीटर का जो ब्लैक वाला फ्रॉड होता है, निगेटिव जो होता है, मैं एक वायर यहाँ से करके और निगेटिव, यानी पीसीबी के, हर बार आपको बोलता हूँ पीसीबी का कहीं से भी निगेटिव, आईजीबीटी के मीटर हो, ब्रिज रेक्टिफायर डायोड का, आपका हर जगह यहाँ पे माउंट कर दिया है। ओके, माइनस से अब हमको क्या करना है, पीसीबी को फ्रंट साइड से आपको मैं बताऊँगा। ओके, अब यहाँ पे मैंने हो गया, अब क्या करना है, सबसे पहले कहाँ पे चेक करना है, तो यहाँ से आपको सप्लाई देना है, यहाँ से मैंने सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई देने के बाद में दोस्तों आप देखेंगे, सबसे पहले जो हमारा डायोड आपको बताया था, एक न्यूट्रल लाइन से डायोड लगा रहता है, एक फेस लाइन से डायोड लगा रहता है, यानी एक एन एक तो एल, तो एक डायोड ए हो गया और एक डायोड ए हो गया, दोनों आपस में जो आग पॉजिटिव होता है वो शॉर्ट हो जाता है, एक तो ये डायोड न्यूट्रल लाइन से, एक फेस लाइन से यानी एल लाइन से, दोनों डायोड हो गया। इसके बाद दोनों आपस में यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा, तो हम यहाँ पे डीसी सप्लाई चेक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे डीसी सप्लाई हमको कितना रहे, 213-214 वोल्ट आ रहा है। एसी सप्लाई कितना था हमारा, 230 वोल्ट था, लेकिन इसको डीसी में कन्वर्ट किया तो कितना सप्लाई आ गया हमारा, 213-214 वोल्ट हो गया। ओके, उसके बाद दोस्तों यहां पे देखेंगे एक रेजिस्टेंस लगा है, कितना रेजिस्टेंस लगा है, 270 के रेजिस्टेंस लगा है यहां पे। इसके इनपुट में कितना वोल्टेज इन हो रहा है, यहां पे चेक करेंगे 215 वोल्ट हो रहा है। इसके आउटपुट में चेक करेंगे कितना हो रहा है, यहां पे चेक करेंगे 167 के समथिंग हो रहा है। ओके है, फिर इसके एक और रेजिस्टेंस लगा है सीरीज में, कितना रेजिस्टेंस लगा है दोस्तों, यहां पे 820 के का। फिर इसके इनपुट में चेक करेंगे कितना आ रहा है, 167, और इसके आउटपुट में चेक करेंगे दोस्तों कितना आ रहा है, यहां पे आउटपुट चेक करें दोस्तों तो 0 वोल्ट मिल रहा है। लगभग जब तक 1-2 वोल्ट आईसी के पल्स के रूप में नहीं जाएगा, तब तक आपका क्या होगा, डिस्प्ले में एरर आएगा। तो दोस्तों हो सकता है यहां पे देखेंगे, यहां पे मैं टच कर रहा हूं तो कोई वोल्टेज हमको शो नहीं कर रहा है, तो हो सकता है दोस्तों क्या, ये रेजिस्टेंस ओपन होगा। तो ऐसे जब भी आपके पास आता है लो वोल्टेज एरर कोड का, तो आपको जहां पे न्यूट्रल लाइन और फेस लाइन से जो डायोड लगा रहता है, वहां पे हर कंपनी क्या लगाती है, रेजिस्टेंस लगाती है, लो वोल्टेज के लिए, हाई वोल्टेज के लिए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा एरर कोड है, तो जितने सारे रेजिस्टेंस लगा, मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूं, 270 के, 820 के, जितने सारे रेजिस्टेंस लगे रहते हैं, 1 वाट से लेके 2 वाट तक, या आपको क्वार्टर वाट में लगे रहते हैं, कितना वैल्यू का, 820 के, 270 के, वो रेजिस्टेंस को आपको चेक करना है। 80% रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम होती है। ओके, अब हम यहां पे क्या करेंगे, सबसे पहले रेजिस्टेंस को बाहर निकाल लेते हैं। बाहर निकालने के बाद फिर से मल्टीमीटर से एक बार कंफर्म चेक कर लेंगे, उसके बाद रेजिस्टेंस को माउंट करेंगे। आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है, रेजिस्टेंस आपका क्या 1 वाट का होना चाहिए, और जितनी वैल्यू का है उतना ही होना चाहिए। अगर वाटेज आपको नहीं मिल रहा है तो कम ज़्यादा करके लगाओ, लेकिन सही वैल्यू का लगाना पड़ेगा। ओके दोस्तों, ये देखो जो हमने रेजिस्टेंस पीसीबी से निकाली है, ये रेजिस्टेंस है 820 के का। अभी इसको क्या करना है, मल्टीमीटर से हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे अपने डिस्प्ले में कितना रीडिंग शो कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ से मैंने क्या कर रहा हूँ, देखो दोनों पॉइंट को चेक कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस को, तो यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं आ रहा है। इस कहने का मतलब रेजिस्टेंस हमारा ओपन हो गया है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रीडिंग आनी चाहिए, तो ये रेजिस्टेंस ओपन हो गया है। कभी कभी दोस्तों रेजिस्टेंस क्या होता है कि आप चेक करते हो मल्टीमीटर से सही बताता है, लेकिन आपको वोल्टेज चेक करना है, वोल्टेज चेक करोगे तो आपको कन्फर्म पता चलता है। इसका प्रॉब्लम जब मेरे पास आएगा
तो आपको वीडियो जरूर अवेलेबल कराऊंगा। ये हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस खराब वाला था। अब जो राइट रेजिस्टेंस है, करेक्ट रेजिस्टेंस है, इसको मैं एक बार मल्टीमीटर चेक करूंगा और आपको यहाँ पर डिस्प्ले में क्या शो करेगा इसको आपको देखना है। दोस्तों यहाँ पर मैंने चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर देखो रेजिस्टेंस कितनी शो कर रही है, 500 कुछ नंबर शो कर रही है। यानी कहने का मतलब इस मल्टीमीटर में कोई वैल्यू सही नहीं होती है, 10% 5% आगे पीछे इसका क्या होता है, वैल्यू कम ज़्यादा होते रहता है। तो यहाँ पर चेक कर लिया इसको, कुछ ना कुछ तो रीडिंग शो कर रही है इसमें लगभग में। तब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों पीसीबी में इसको माउंट करेंगे, उसके बाद फिर चेक करेंगे। ओके दोस्तों, हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया, रेजिस्टेंस हम हमारे पास जो वाटेज थी थोड़ा सा ज़्यादा वाट का है लगभग, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, फिर से सप्लाई देंगे और फिर से वोल्टेज चेक करना है आपको। ये नहीं, फिर से डिस्प्ले को हम बाद में देखेंगे, ये हमारा जो प्रॉब्लम था वो सही हुआ नहीं हुआ, पहले वोल्टेज चेक करके एक बार कन्फर्म कर लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले सप्लाई देता हूँ। सप्लाई देने के बाद में दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे देखेंगे सप्लाई कितना हमारा बन रहा है। यहाँ से देखो डीसी सप्लाई 132 133 बनने लगा। अब इसको बाद क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे फिर इसका आउटपुट में चेक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे 2 वोल्ट आने लगा, इसका मतलब हमारा 99% ओके हो गया होगा। फिर यहाँ पे डिस्प्ले में चेक कर लेते हैं, यहाँ से मैंने ऑन करता हूँ और यहाँ पे 0 आने लगा। ये देखिए दोस्तों, एक बर्तन सेंस करने का भी आवाज़ आने लगा। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो आप आसानी से इसको रिपेयर कर सकते हो, हाई वोल्टेज का लो वोल्टेज का। और आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ कि दोस्तों अगर आपके पास कोई सा भी पीसीबी आता है, इरर कोड आता है, तो ओनली फॉर आपको रेजिस्टेंस चेक करना है। मल्टीमीटर से चेक करने के बाद आपको रेजिस्टेंस को रिप्लेसमेंट करना करके देखना है, उसके बाद वोल्टेज को चेक करना है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, और आपको इसमें बता देता हूँ, कभी कभी डायोड वीक हो जाती है, सही बताता है लेकिन काम नहीं करता है। जो न्यूट्रल लाइन से और फेस लाइन से जो डायोड लगा रहता है उसको आपको रिप्लेसमेंट करना है। अब आप एक चीज़ और बता देता हूँ, अभी अब बहुत कोई क्या करता है, पीडीएफ फाइल दो, तो पीडीएफ फाइल आप आसानी से बना सकते हो, मैं आपको टेक्निक बताते जाऊंगा, आप बनाओगे तो जल्दी सीखोगे। तो कैसे जल्दी सीखोगे, सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, हम यहाँ पे थोड़ा सा गौर करेंगे, ये रेजिस्टेंस का जो पॉइंट देखेंगे, सबसे पहले कौन से पिन में जा रहा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कौन सा पिन में जा रहा है, तो यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ से होते हुए यहाँ से और आपके आईसी के लगभग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 नंबर पिन पे इसका 2 वोल्ट जाएगा। कहने का मतलब क्या हो गया कि हमारा जो ये रेजिस्टेंस है सब पल्स आ रहा है हाई लो वोल्टेज के लिए। तो यहाँ से चेक करते करते आपको आना है और इसके 9 नंबर पिन पे चेक करना है कितना वोल्ट आना चाहिए, वहाँ पे 2 वोल्ट आना चाहिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, मैं रेजिस्टेंस को ओपन कर देता हूँ और 9 नंबर पिन पे वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, तो ये कन्फर्म आपको पता चल जाएगा कि हाँ उसी पिन पे अगर वोल्टेज नहीं आ जाएगा तो ईरर हमारा लो वोल्टेज का ईरर आएगा। तो हम यहाँ से रेजिस्टेंस को पहले ओपन कर देते हैं। दोस्तों हम यहाँ पे 9 नंबर पिन पे चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस को ओपन कर दिया हूँ। तो आपको ऐसे ही आपको पीडीएफ फाइल बनाना है कि इसके इस टाइप का अगर पीसीबी हो आपके पास, एक कंपनी तो आपको समझ लो दूसरी कंपनी की है, चाइना कंपनी नहीं है, दिल्ली मेड कंपनी है, तो यहाँ पे 9 नंबर पिन पे जब तक 1 से 2 वोल्ट नहीं आएगा तब तक आपका डिस्प्ले में ईरर कितना आएगा, E4 का ईरर आएगा। अब फिर से क्या करें, रेजिस्टेंस को मैंने क्या करता हूँ, फिर से आपको माउंट कर देता हूँ पीसीबी में, उसके बाद फिर से एक बार कन्फर्म कर लेते हैं कि 9 नंबर पिन पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दोस्तों हम फिर क्या किया, रेजिस्टेंस को माउंट कर दिया, 9 नंबर पिन पे चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखेंगे डिस्प्ले हमारे यहाँ पे डिस्प्ले में आप देखेंगे यहाँ पे 2 वोल्ट आने लगा। तो इस टाइप का पीडीएफ फाइल बना सकते हो, वाईसी का कुछ डाटा बना सकते हो, हाई वोल्टेज के लिए और लो वोल्टेज के लिए, इरर कोड के लिए, सेंसर का इरर कोड के लिए और आपका कॉइल का इनपुट और पॉइंट आउटपुट पॉइंट का जो पल्स आता है उसके लिए आप डाटा शीट आराम से आसानी से बना सकते हो और आपको आसान हो जाएगा हर कंपनी का। तो धीरे धीरे मैं कुछ मेरे पास जो रहेगा आएगा मैं उसका पीडीएफ फाइल आपको दूंगा और आपको ऐसे बनाना है, ये हमारा एक प्रैक्टिकल। तो दोस्तों अगर आपको मान लो कि घर बैठे इंडक्शन का कंपोनेंट चाहिए, आपको मार्केट में इंडक्शन का कंपोनेंट नहीं मिल रहा है और ओरिजिनल कंपोनेंट चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहां पे ध्यान देंगे, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, नीचे में तो लिंक दे दिया हूं, डायरेक्ट लिंक से जाके आप वहां पे जा सकते हो, या आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल खोलो, गूगल खोलने के बाद दोस्तों वहां पे rajinduction.com को सर्च करो। जैसे ही वहां पे rajinduction.com सर्च करोगे तो वहां पे मेरा एक वेबसाइट खुलेगा। वेबसाइट खुलने के बाद दोस्तों आपको यहां पे जाना है, शॉप नेम में जाना है। शॉप नेम में जाने के बाद दोस्तों वहां पे आप देख सकते हो कि इंडक्शन का आपको कंपोनेंट यहां पे मिल जाएगा, कंपोनेंट के साथ साथ में कौन से कंपोनेंट की क्या प्राइस है वहां पे साइड में आपको लिखा मिल जाएगा और कितनी पीस आपको मंगानी है वो भी आपको मिल जाएगा। ऊपर से आईजीबीटी शुरू करेंगे, आईजीबीटी से लेके समझ लो हमारे पास ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, पीएफ, एसएमडी में ट्रांजिस्टर, बहुत ऐसे इंडक्शन के कंपोनेंट लगभग मेरे पास अवेलेबल हो गया है। अगर मान लो यहां पे बात करेंगे दोस्तों रेजिस्टेंस, आप देख सकते हो कि मेरे पास रेजिस्टेंस पूरी कॉम्बो पैक में अवेलेबल है। रेजिस्टेंस की बात करूंगा दोस्तों थोड़ा सा आपको कॉस्टली मिलेगा क्योंकि रेजिस्टेंस मेरे पास कुछ रेजिस्टेंस जो है जैसे 200 के कुछ रेजिस्टेंस मेरे पास अवेलेबल है जो कॉपर में है और रेजिस्टेंस थोड़ा कॉस्टली आता है। तो दोस्तों यहां पे पूरी रेजिस्टेंस मिल जाएगी, 1 वाट में रेजिस्टेंस पूरी मिलेगी, 1/2 वाट की रेजिस्टेंस मिल जाएगी। अगर मान लो दोस्तों आपको ऑर्डर करना है,
कैसे ऑर्डर करेंगे आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन सा कंपोनेंट है, क्या क्या प्राइस चल रहा है, उसको क्या करना है अपने कॉपी पेन में नोट कर लेना है या आपको व्हाट्सएप में टाइप कर लेना है कि मेरे को IGBT 10 पीस चाहिए, इसका रेट भी आप देख सकते हो इतना है, जो जो कंपोनेंट आपको चाहिए उसको नोट कर लेना है। नोट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे व्हाट्सएप देखते हैं, व्हाट्सएप नंबर है ओनली फॉर आपको व्हाट्सएप कर देना है, मेरे में सेंड कर देना है। दोस्तों आपको हाथ जोड़ के विनती करूँ कि आप व्हाट्सएप करने के बाद 6 घंटे कम से कम वेट करो, हो सकता है आपको तुरंत आपको रिप्लाई मिल जाए, ऐसा होता है 6 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिलेगा। वहाँ पे दोस्तों एक बिल सेंड करूँगा, बिल को वहाँ पे चेक कर सकते हो, और बिल सेंड करने के बाद दोस्तों अगर आपको मान लो मेरे ऊपर भरोसा है तो आपको पैसा पहले पे करना पड़ेगा। नीचे में मेरा बिल के नीचे में अकाउंट नंबर होगा, फोन पे गूगल पे नंबर होगा, वहाँ पे पैसा पे करने के बाद दोस्तों वहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है कि पैसा पे करने के बाद में दोस्तों आपको 24 घंटे के अंदर में आपका सामान जो होगा डिस्पैच कर दिया जाएगा और 10 से 15 दिन तक वेट करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों 10 से 15 दिन के अंदर में आपके घर तक पहुँच जाएगा जो आप एड्रेस मेरे को दिए रहोगे। दोस्तों कंपोनेंट को आप बहुत कोई मेरे से मंगाता है, आप एक बार मेरे से मंगा के यूज करो, ट्राई करो, अगर मेरे ऊपर विश्वास करते हो। दोस्तों मेरे से लगभग बात करूँ कि जो मेरा कंपोनेंट है ऑल इंडिया से मंगाते हैं, अगर मेरे ऊपर आपको विश्वास है तो कंपोनेंट पहले आप मंगा लो पैसा करके, कोई दिक्कत नहीं है। 10 से 15 दिन के अंदर में आपको घर तक कंपोनेंट पहुंच जाएगा और कंपोनेंट को चेक कर लेना, क्वालिटी अच्छी रहेगी। और दोस्तों मेरे वीडियो से मान लो कुछ भी नया सीखे हो तो मेरे को विश्वास जरूर करना। ओके दोस्तों, तो आज के वीडियो के लिए दिल से धन्यवाद, मैं राज।